चलिए ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या श्रेय की सियासत यहाँ की जा रही है जो कैंसर इंस्टीट्यूट का दोबारा से शिलान्यास किया जाएगा, इसी पर लगातार चर्चा हमारी जारी है। नायब सिंह सैनी साहब, सवाल यह है जो चौधरी साहब ने उठाया कि बीजेपी अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए ये सारी ट्रिक्स अपना रही है, क्या कहेंगे? अभी 7 महीना की सरकार हुई है और हमारी सरकार ने 7 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर क्या क्या कार्य किए हैं, वो सारा का सारा एजेंडा तैयार हो गया है। पब्लिक को भी मालूम है, देश की जनता को मालूम है, प्रदेश की जनता को मालूम है। मुझे ये नहीं मालूम है कि किस चश्मे से ये लोग देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इनका जनाधार खिसक रहा है। अभी तो हरियाणा की जनता ने मैंडेट दिया है पूरा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य शुरू किए हैं लोगों के बीच में, आप देख रहे हैं किसी भी स्तर के ऊपर हर वर्ग के अंदर समान विकास की जो बात, सबका विकास लेकर के सरकार चल रही है, किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं है, उस दिशा में कार्य कर रही है। और मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये इस बात को किस तरीके से कह रहे हैं कि जनाधार खींच कर आए। आज प्रदेश की जनता को बड़ी राहत भ्रष्टाचार से मिली है, भ्रष्टाचार से लोग आहत थे उनको राहत मिली है। आज लोगों को लगने लगा कि आज प्रदेश के अंदर कोई सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार आई है, नहीं तो एक ही परिवार की सरकार प्रदेश के अंदर देखने को मिलती थी। एक ही वर्ग, एक ही परिवार के व्यक्ति शासन करते थे, परंतु आज हरियाणा के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार मिली है, ये देखने को मिल रहा है। समान विकास हो रहा है किसी भी क्षेत्र के अंदर लगा लो। नायब सिंह सैनी साहब, अगर आपने रिपोर्ट कार्ड रख दिया हो तो मैं कुछ सवाल पूछूं और आपसे। 5 साल के अंदर अगर आपकी इजाजत हो, आपने रिपोर्ट कार्ड रख दिया हो अपनी सरकार का 7 महीने का, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी साकेत जी, क्या आप इस दोबारा से शिलान्यास को जायज ठहराते हैं? बस इतना सा सवाल है मेरा आपसे। साकेत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि घोषणाएं करना, घोषणाएं कोई भी करे, हाँ या ना, तो इसका जवाब हो सकता है। नायब सिंह सैनी साहब, इस देश का और प्रदेश का विकास करना चाहती है, नहीं समझते तो ना कह दीजिए। हमारी सरकार देश और प्रदेश का विकास करना चाहती है, घोषणाओं के अंदर विश्वास नहीं करती है। तो शिलान्यास करके क्या, तो शिलान्यास भी तो एक तरह से घोषणा ही है। साकेत जी, मैंने इसका पहले भी बताया, उसको मैं रिपीट करूंगा, ठीक नहीं है वो। मैंने सारी आप बात आपको जो सवाल में पूछ, खैर छोड़िए, घोषणाएं इतनी हुई है कि उसी स्टेज के ऊपर प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो भी थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी थे उसी स्टेज को। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं बत्रा साहब, आप पर एक तरह से आरोप है, कांग्रेस पर एक तरह से आरोप नायब सिंह सैनी साहब ये लगा रहे हैं कि पिछली सरकार ने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की और ये कैंसर इंस्टीट्यूट के जो आधारशिला रखी गई, जो शिलान्यास इसका किया गया, वो भी महज एक घोषणा तक ही सीमित रह गई। कुछ जवाब आप देना चाहेंगे नायब सिंह सैनी साहब को जो आरोप लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इन सैनी साहब को कहो कि 350 एकड़ जरा जमीन को इकट्ठा करके और उसको करके दिखाएं, हम मान जाएंगे कि ये कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। कहने की बातें और होती है, करने की बातें और होती हैं। हम करने में विश्वास करते हैं इस बात के लिए। इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट हुआ तो कम से कम ये जनवरी के अंदर जब हुआ, 14 जनवरी 2014 को, तो कम से कम इसकी बिगनिंग 1 साल पहले हुई। 1 साल पहले होके सारी विजिट हुई, सब कुछ हुई, हर एक चीज़ की अप्रूवल हुई। चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आज के दिन में भी कैन दे शो एनी डॉक्यूमेंट दैट दे हैव प्रॉपरली गिवन एट बजट फॉर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। This is also to be seen. In what capacity they are doing it? This is a bad politics. This is a bad in polity और democratic setup के अंदर ये बिल्कुल अच्छा कदम नहीं है कि एक सरकार के काम जो शिलान्यास होते हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू होता है, या जो प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दे, नया प्रोजेक्ट लेके आ जाए उस बात के लिए कि अच्छा प्रोजेक्ट देता, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और यूपीए की सरकार के अंदर एम्स हरियाणा सबसे पहला प्रांत था जो एम्स के साथ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट हुई, और 350 इसके साथ में एम्स 2 की प्रपोजल
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी थी, आज भी वहां पर इनका जितेंद्र सिंह मंत्री डिमांड उठाता है कि हम जम्मू केंद्र बना के रहेंगे। इस टाइम एम्स टू की उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में प्रोजेक्ट आया, तब यह आया कि ये पटना के अंदर भी एम्स टू खुलेगा। इनको किसी बात का पता तो है नहीं इस बात के लिए कि कितने एफर्ट्स करके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने में उसके बाद कैसे उसका से चलते हैं। और एम्स टू इट्स ए क्रेडिट और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इसकी इसके लिए बड़े एफर्ट्स करके उस बात के लिए लोगों को इतना ज्यादा फायदा मिलेगा उस बात के लिए। आज के दिन में तो जगह भी लोकेट करनी मुश्किल हो जाती है और जैसा ये कानून का उसका बात बन रहे हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू एक्वायर द लैंड, इट इज ए क्रेडिट गो टू द ग्राम पंचायत कि जो उस ग्राम पंचायत ने हैप्पीली 350 एकड़ की सरकार के कहने पे उस जमीन को जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको जमीन को डोनेट कर दिया, उसके बाद वहां पर बन रही है। उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी देखी गई कि वहां पर गुड़गांव में उसके सामने जाकर ये रोड थोड़ी दूर में ये कहेंगे कि एम्स टू के सामने जो सड़क गह रही है उसको भी दोबारा शिलान्यास कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर लेनिंग रोड जाती है बादली के साथ में, हर एक चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। आज वहां पर एम्स टू के ओपीडी वहां पर चालू है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन मिलेगा। इन्हें खुश होना चाहिए कि यूपी के गवर्नमेंट में हरियाणा के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, इसके लिए इनको पिछली सरकार को सबको इस बात के लिए क्रेडिट देना चाहिए इस बात के लिए। और एक बात कहूंगा कि चौधरी साहब जो बातें कह रहे थे वो फैक्चुअली बात करेक्ट थी, पर बात में इस बात में कि कांग्रेस की बात उसमें राजनीति की बात मत, कांग्रेस ने 10 साल के अंदर हरियाणा का बहुत विकास किया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बात करते हैं, आज हम यूसेज की बात करते हैं, जिस दिन ये करके दिखाएंगे मैं ये कहना चाहता हूं। इस बात के लिए बात करेंगे। बत्रा जी जो बात कह रहे हैं कि हमने जमीन ली थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जमीन लेने के लिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आई है, 3 उसके सब सेंटर बने हैं, उसकी जमीन करनाल में भी देखी गई है और मेरे यहाँ नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर भी उसका एक सेंटर बन रहा है। हमने पंचायत से बात की और पंचायत ने उस जमीन को दे दिया क्योंकि वहां पर एक प्रोजेक्ट आया है, विकास होगा। परंतु आपने तो पत्थर लगाया है वहां पर जमीन की, पंचायत की जमीन को लेकर के। 1 साल के अंदर आप कम से कम ये तो बताइए कि हमने ये काम शुरू किया है वहां पर। सैनी साहब आपकी सरकार क्या कर रही है, दोबारा पत्थर लगा रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है वहां पर एक बार साइट विजिट करेंगे। हम विकास करना चाहते हैं इनको, अमन जी हम विकास करना चाहते हैं। सैनी साहब ज्यादा बेहतर तब होता शिलान्यास हो चुका, काम शुरू करवा देते तो शायद जनता से आपको ज्यादा तारीफ मिलती। हमारी सरकार का एजेंडा इस देश का विकास करना है। 10 साल का कार्य मिला है इनको 10 साल का कार्य मिला है, कोई छोटा समय नहीं मिला, लगातार 10 साल तक इन्होंने शासन किया है। और 10 साल के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मेरी आंखों के सामने है। मैं अगर आपको बताना चाहूंगा आप कहेंगे कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। जो भी विकास के कार्य चल रहे थे वो सारे के सारे धीमी पड़ गए, रुक गए। और अभी जो 1 साल का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन हुआ है इस देश के अंदर, वो जो रुके हुए कार्य थे वो फिर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में उसका आज राजनीति। ठीक है, आप दोनों के पास लौटते हैं। महावीर जैन साहब मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सा। ठीक है सैनी साहब आपके पास लौटते हैं। महावीर जैन साहब आप क्या देखते हैं, जिस तरीके से अगर ये शिलान्यास हुआ ऐसे कुछ और प्रोजेक्ट होंगे जिनके दोबारा से शिलान्यास करवाने के बारे में बीजेपी सोचेगी, तो ऐसे तो वक्त जो है सारा वो शिलान्यास में ही निकल जाएगा। अमन जी बात बिल्कुल सही है, अगर इस तरह अगर सरकार आधारशिला और शिलान्यास पर सोचते रहेगी तो नेचुरली 5 साल इसी में निकल जाएंगे, तो सरकार कुछ नहीं दे पाएगी। पब्लिक यही कहेगी भी सरकार का आग्रह शिलान्यास में ही निकलेगी। और जहाँ तक चौधरी साहब ने बात कही थी कि कोई भी सरकार अपने आग्रह बजट में प्रोविजन तो रखनी चाहिए ना, चाहे वो बीजेपी थी कांग्रेस ठीक है शिला आधारशिला रखी गई, लेकिन कोई भी शिलान्यास कर रही है उसमें बजट में प्रोविजन रखी नहीं गई अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब आधारशिला के साथ आग्रह बजट में प्रोविजन भी होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, पूरा प्लानिंग बनती है, अगर आधारशिला रख के ही आगे सरकार श्रेय लेने की तो इस सरकार का मैसेज भी चला जाएगा कि आधारशिला में ही ज़्यादा सरकार विश्वास रखती रही। जब तक मैं फिर वही दोबारा रिपीट करूंगा कि सरकार को अब श्रेय लेने की बजाय आगे
अमली जामा पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। हाँ, जहाँ तक सैनी साहब ने पिछले 7 महीने के दौरान कहा है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सरकार को क्रेडिट, इन्होंने पीछे 2-4 काम ठीक किए हैं, चाहे वो कहा करें किसानों के हित में था, मुआवजा की राशि जैसे इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट किया हो रही दो, इस तरह अब सरकार अमली जामा पढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि श्रेय लेने की, मतलब कहा अगर होड़ पे ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को भी एक मैसेज अच्छा जाए कि सरकार ये श्रेय लेने में काम करने की बात तो सही में बहुत जरूरी है। हम लौटेंगे जैन साहब आपके पास। चौधरी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा कि सरकार के गठन के बाद चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की, सरकार पर कई तरह के आरोप लगे, जुमलों की सरकार कहा गया, यूटर्न की सरकार कहा गया, जन विरोधी सरकार का ऐसे नाम दिया गया। क्या जिस तरीके से ये नई शुरुआत हुई है दोबारा से शिलान्यास की, आगे आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि इसे शिलान्यास करने वाली सरकार कह दिया जाए? मैं इसको, एक हरियाणा का एक बहुत छोटा सा टोटका है कि थूक से पकोड़े नहीं बनते। ये दोनों पार्टियों के विधायक भी हैं और पूर्व विधायक भी बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछिए, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में इस कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए कोई प्रावधान किया गया था या इस वर्ष के केंद्रीय बजट में कोई प्रावधान किया गया है? पिछले वर्ष के बजट के अंदर केंद्रीय बजट में हेल्थ पे 20% की कटौती की गई थी ताकि फिस्कल डेफिसिट को सीमा में रखा जा सके। इस वक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि अभियान, विमेन एंड चाइल्ड प्रोग्राम पर विशेषकर कटौती की गई है। ये तो पत्थर ही पत्थर रखने की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जमीन पर यह संस्था कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी, या मात्र पत्थरों की लड़ाई होती रहेगी, पत्थर लगाने के लिए श्रेय और राजनीति चमकाती चमकाने का प्रयास होता रहेगा। हकीकत में ये तो बताएं अब जिन पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई प्रावधान भी है इसके लिए केंद्रीय बजट के अंदर? जब तक के लोगों को ये नहीं बताएंगे तब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि राजनेता पत्थर रख करके चल जाते हैं, घोषणा करके चल जाते हैं। इस साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, और पार्लियामेंट के अंदर मंत्री जी जवाब दे रहे कि वहां कोई हमारे पास स्कीम भी नहीं है। इसलिए जनता जो है कोई इनके घोषणाओं पर, पत्थर पर कोई विश्वास नहीं करती। जब तक के ये काम नहीं शुरू हो जाता, और मुझे काम शुरू होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, सैनी साहब को जवाब देना चाहेंगे। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। चौधरी साहब कह रहे हैं कि बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। देश का बजट तैयार होता है, हरियाणा का बजट तैयार हुआ, और उस बजट के अंदर हर क्षेत्र के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए अलग रखा जाता है, किसी एक चीज के लिए नहीं रखा जाता। जैसे ये कप है, मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे सामने एक गिलास रखा है, एक गिलास के लिए बजट नहीं होगा। जो पूरे स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर जो योजनाएं होंगी स्वास्थ्य विभाग की, उसके लिए बजट रखा जाएगा। एजुकेशन का जो पूरे देश का स्ट्रक्चर है, उसके लिए बजट रखा जाएगा। और कोई भी रेलवे का बजट है, कृषि का बजट है, उसके अंदर भी ये आप ये कैसे कह रहे हैं कि उसका बजट में नहीं इसका रखा गया? सेंट्रल बजट में होना है। आप सेंट्रल बजट की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के अंदर कोई स्वास्थ्य स्टेट बजट की बात मत कीजिए। हेल्थ के अंदर जो केंद्र सरकार का बजट है वो पूरे देश के लिए होता है, तो आप मुझे बताइए, आप उसी के अंदर वो सारी की सारी चीजें जो देश के अंदर बनती है, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल बनते हैं, जो केंद्र के अंदर हेल्थ का बजट है, उसके माध्यम से सारा खर्च होता है। इस गहराई तक शायद आप ना जा पाए हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सेंटर का बजट में किन किन स्कीमों के नीचे पैसा रखा गया, आप मुझे देख के बताइए कि इसका प्रावधान किया गया, तब मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा। मात्र कहने से और ये चर्चा करने जो भी स्कीम आती है, जो भी स्कीम आती है उसके तहत पैसा खर्च होता है। सीनियर ऑफिसर रहा हूँ, जो भी स्कीम आएगी उसके तहत पैसा खर्च होगा। ये नहीं है कि हमने आपने बात की कही है, चौधरी साहब चेयरमैन रहा हूँ, आपने बात की कही है, मुझे पता है हर बड़ाहट के अंदर आप सब लगातार घोषणा की, लगातार समाधान कर पाएंगे। आप हकीकत बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बजट था कितना नहीं था? ठीक है, वक्त की कमी है, बत्रा साहब भी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। बत्रा साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप, अपनी बात रखें। ऐसे ऐसे है कि चौधरी साहब बातें तो कर रहे हैं,
परचौई साहब से ये पूछो कि लोगों ने तो 15 साल से आपको कोई शिलान्यास करने का मौका ही नहीं दिया, पिछले 10 साल में भी आप सत्ता में नहीं रहे, 5 साल में भी आगे आने का भी कोई आपको उम्मीद नहीं है इस बात के लिए, तो इसलिए इनको ओनली सिर्फ इस बात के लिए कि कांग्रेस की बात उस बात की, कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा दिल है, चौधरी देवीलाल की यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर कुशेत्रा के रहे, इनसे पूछो कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हटे थे उस समय देवीलाल यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस था बताइए, उस टाइम 4 कमरे के अंदर आप यूनिवर्सिटी छोड़ के गए थे, आज कितना बड़ा स्टेटस यूनिवर्सिटी का है, हमने कभी भी कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि पुराने किसी नेता के नाम और कोई बड़े नेता है उनके नाम में कोई भी, चाहे चौधरी बंसीलाल ने शिलान्यास रखे, चाहे चौधरी देवीलाल ने शिलान्यास रखे, ऐसा कांग्रेस कभी नहीं करती है, और कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है इस बात के लिए, इसलिए आप जो अपनी बातें कर रहे हैं उस बातें में आपका आप बी टीम के बाद कभी विधानसभा बी टीम की बात करते हैं कभी यहाँ बात करते हैं उसका प्रीमियर रखा गया होगा, उसके बाद चुनाव आ गए, उसके बाद एनडीए का कर्तव्य बनता था, जब बात पत्रों के बदलने की आती है और जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो जब किसी भी राजनीतिक दल की बात आती है और उस पर सवाल उठते हैं तो वो अपने से पिछले सरकार पर चली जाती है और उनके कार्यकाल का लेखा जोखा रखना शुरू कर देती है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, लेकिन जनता को आज भी सवाल और जनता को आज भी अगर सरोकार है तो वो श्रेय लेने से नहीं है, वो शिलान्यास से नहीं है, उनको असली फायदा तब होगा जब उद्घाटन होगा। बिल्कुल, इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।